नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर बॉलीवुड में बड़ी दरार आ गई है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह इस मसले पर आमने सामने हैं। अब इस लड़ाई में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल ने अनुपम खेर का साथ दिया है और नसरुद्दीन पर निशाना साधा है। जी हाँ, बता दें आपको कि स्वराज कौशल ने ट्वीट में लिखा है कि देश ने तुम्हें इतना कुछ दिया है लेकिन फिर भी पूरी तरह से निराश है। लगातार कई ट्वीट करते हुए स्वराज कौशल ने नसरुद्दीन शाह के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा, मिस्टर नसरुद्दीन शाह, आप एक एहसान फरामोश इंसान हैं। इस देश ने आपको नाम दिया, फेम दिया और पैसा भी दिया, लेकिन आप निराशा से भरपूर हैं। आपने अपने धर्म से बाहर शादी की लेकिन किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। आपके भाई सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, क्या आपको बहुत ज्यादा नहीं मिला? मिजोरम के पूर्व राज्यपाल ने लिखा, इस सब के बाद भी आप नाखुश हैं। अब जब आप बात करते हैं तो वो पूरी निराशा से भरी हुई है और आप उसे अंतरात्मा कहते हैं, लेकिन जब अनुपम खेर बोलते हैं तो उसमें दर्द है जो देश में उन लोगों ने झेला है। बता दें आपको कि नसरुद्दीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि आप फिर भी देश के लिए थैंक्सलेस हैं। किरण खेर दो बार सांसद बन चुनी गई। अनुपम खुद में एक बड़े स्टार है, जब आप बोल रहे हैं तो आप छोटे और तुच्छ लग रहे हैं, इसमें आपकी निराशा साफ झलक रही है। इसी के साथ ही उन्होंने देवदास फिल्म का एक डायलॉग भी ट्वीट किया जिसमें किरण खेर का ही डायलॉग है कि बस तुम्हारे शब्द मेरी मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। अपने ट्वीट में स्वराज कौशल ने अनुपम खेर, किरण खेर की तारीफ की है, साथ ही अपने और उनके संबंधों के बारे में बताया है। दरअसल देश में CAA NRC के मुद्दे पर चल रही बहस के बीच नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनुपम खेर एक जोकर हैं और उनके बयानों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इस पर अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी कर उन्हें जवाब दिया और कहा कि आप वर्षों से जिन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।